नमस्कार, मैं तुषार आचार्य। इस फिल्म में शाहरुख का कैरेक्टर किया हूँ, एक चोर बना हूँ। ओके, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या कहना आपने? नमस्कार, मैं सुहास, इस फिल्म में लीड हीरो का रोल कर रहा हूँ, शांतनु सर के भूत वाली लव स्टोरी फिल्म में। नमस्कार, मैं लक्ष्मण, भूत वाली लव स्टोरी में मैं एक मोहन नाम का किरदार कर रहा हूँ, जो कि अपने लीड है किशोर जी, उनका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। ओके, आपसे जानना चाहूँगा लीडिंग हीरो से, भूत वाली लव स्टोरी अपने आप में ही बड़ा कॉमेडी और बड़ा कैची टाइटल लगता है, किस तरह की फिल्म होगी और क्या किस तरह का कॉमेडी देखने को मिलेगी हमें? फिल्म पूरी इंटरटेन रहेगी, फुल इंटरटेनमेंट रहेगी, जिसमें हॉरर भी आपको देखने मिलेगा, कॉमेडी भी देखने मिलेगी आपको इस फिल्म में, कॉमेडी भी देखने मिलेगी, सस्पेंस भी है, हॉरर भी है, तो फुल इंटरटेनमेंट मूवी है। ओके, आप एक किरदार के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह का किरदार निभाते नजर आएंगे और क्या डायरेक्टर का क्या ब्रीफ था कि आप ऐसे दिखेंगे, आपका लुक ये होगा? अच्छा, एक्चुअली डायरेक्टर शांतनु आनंद तांबे जी बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि तू एक ऐसा फ्रेंड है जो बचपन से लेके जवानी तक उसके साथ में है, तो उसके हर एक सिचुएशन में उसके साथ है, तो वो एक मोहन नाम का किरदार है। और शांतनु जी ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया था और आज तक जितना भी शूटिंग हुआ है सुपर टैलेंटेड, जितना उनको चाहिए उतना ही उन्होंने टेक लिया है, बिल्कुल ये लूँगा वो लूँगा ऐसे कुछ नहीं किया है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जी, आपके लुक को देख के भी कुछ लगता है कि बड़ी चाबियां में लटका रखी हैं आपने गले में, कोई खास वजह? और डायरेक्टर का क्या ब्रीफ था? सर, चोर बना हूं तो ये चाबी उन्होंने पूरा गले में बांध के दे हैं कि ताकि चोरी के समय कोई दिक्कत ना हो, चाबी निकालो फटाफट, ताला खोल के कल्टी मार लो। ओके, अब तक कुछ सीन पिक्चराइज हुए हैं क्या, और क्या जो सीन पिक्चराइज हुए उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? कई सीने पिक्चराइजेशन हुए हैं, ये कि मेरा, मैं एक चोर हूँ, कहीं फंस जाता हूँ वहाँ से निकल नहीं पाता हूँ, तो मतलब इस टाइप के कई सीन है भूत बंगले में। हाँ, भूत बंगले के अंदर मैं तो एक्चुअली कॉमेडी करता हूँ, इसमें जो कैरेक्टर है मेरा पूरा फनी कैरेक्टर है, तो बस इस टाइप के कई सीन शूट हुए हैं अभी तक। आज जो हुआ, आज का हुआ, आज का सीन हुआ? आज तो वीएफएक्स का पूरा काम था, वीएफएक्स जो क्रोमा करते हैं। ओके, मराठी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, मैं सैराट की बात करूँ, आज सबको अचंभित कर दिया जिस तरह का बिजनेस हमने किया, क्या उस तरह की तैयारी है आपकी? एक नया कंटेंट है क्योंकि हमने इस तरह से सुना नहीं है कभी, है ना, भूत वाली स्टोरी और जहाँ किरदार चाबियां लटका के गले में घूम रहे हैं और कोई भूत का दोस्त साथ में घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह की फिल्म है, रोमांटिक है लेकिन उससे अलग टच देने की कोशिश की गई है। एक्चुअली इसमें एक आत्मा है, भूत है, वो किस हद तक अपने प्रेमी से प्यार करता है वो दिखाया, बड़ा ही कैची कंटेंट है, बहुत मतलब ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगेगा ये देख के, कुछ अलग है। ओके, भूत का रोमांस कैसे दिखाया जाएगा यार, और कैसे? वही तो सस्पेंस है, वही तो आपको देखना है सर, कि आपको देखना है क्या होता है भूत वाली लव स्टोरी में। बिल्कुल, और यही जो रोमांस भूत दिखाने के लिए मुझे ये कैरेक्टर सौंपा गया है, और मैं ही वहाँ भूत आत्मा मन के मेरे अंदर आते हैं और मैं रोमांस करता हूँ। बहुत सारे उससे पूरी हटके फिल्म है, उससे कुछ सिमिलर नहीं है, उससे पूरी हटके फिल्म ही है। बहुत क्यूट, बढ़िया स्टोरी है, क्यूट स्टोरी है, सिंपल लव स्टोरी है जी, जिसे अलग टच देने की कोशिश की गई है। आज तक जैसे कई हॉरर फिल्म में आपने देखा होगा भूत, मतलब जैसे बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल, नाखून वाखून, ये सब डराने वाली मतलब ये होती है फिल्में होती हैं, लेकिन इसमें आपको उस टाइप के कोई स्नेह नहीं मिलेंगे। चलिए, बहुत क्यूट स्टोरी है। आप तो, आप सबसे जाना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से जब भी फिल्म रिलीज होती है, क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा बने? एक एंटरटेनिंग फिल्म है, आज तक जितने भी हॉरर फिल्में आई है वो भी एंटरटेनिंग थी, लेकिन ये अलग लव स्टोरी है और आप सबको बड़ी अच्छी लगेगी, इसलिए आप डेफिनेटली आओ और भूत की लव स्टोरी देखो, एक आत्मा की लव स्टोरी देखो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि ये स्टोरी एक अनोखी स्टोरी, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी मतलब सारे कैरेक्टर हैं, मतलब जिस हिसाब से अपना अपना किरदार अदा किए हैं, आपको बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मतलब कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ अच्छा मिलेगा। अगर कॉमेडी आप देख रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट देखेंगे आप, कुछ लेटेस्ट देखेंगे। अगर मतलब हमारे जो हीरो साहब हैं इनकी एक्टिंग देखोगे तो थोड़ा सा मतलब उस टाइप के जो हीरो होते हैं उस टाइप की कुछ एक्टिंग आपको दिखेगी, नहीं कुछ अलग दिखेगा पूरा, जो कि आपको टच करेगी, बहुत यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मोहन साहब भी बहुत अच्छा काम किए हैं, अपना दोस्त था काफ़ी, उन्होंने जो फ़र्ज निभाते हैं निभाए हैं, तो यकीनन
और हमारी मैडम हीरोइन है, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अपने कैरेक्टर को बखूबी से निभाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कंचन, यू कैन कम इन द सेंटर, हम जान लेते हैं। ओके ओके।